नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड में अनूप सिन्हा के घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की बात कही जा रही है। घटना को लेकर घर की देखभाल कर रहे अनूप के रिश्तेदार हरीश कुमार सिन्हा ने लिखित आवेदन के माध्यम से नगर थाना को सूचित किया। इस बाबत हरीश सिन्हा ने बताया कि अनूप के घर में मरम्मती का काम चल रहा है और 10 दिनों से घर में कोई नहीं रह रहा था। बताया गया कि सोमवार की सुबह जब ये यहाँ पहुँचे तो देखा कि घर में ताला लगाने वाली कड़ी टूटी हुई है, जिसके बाद शक होने पर हरीश ने मेन गेट का ताला खोला। अंदर जाने के बाद देखा कि मेन गेट के सामने के कमरे का ताला कटा हुआ है। इसके बाद अंदर के कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला। इस स्थिति के बाद इसकी तुरंत जानकारी मोहल्ले वालों और 100 नंबर डायल कर पुलिस को दी गई, जिसके बाद इन्होंने अनूप सिन्हा की माँ को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कमरे का दृश्य दिखाया। अनूप की माँ ने बताया कि जमीन के कागजात समेत सोने चांदी जेवरात के अलावे 4 से 5 हजार रुपए नगद चोर लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। हाँ, मैंने ताला तोड़ा ना? इसका काट दिया, इसका बाहर वाला ताला काट दिया। अच्छा, इधर से नहीं खोल के इधर से तलवा काट के उसके बाद सोचा खुल गया, लेकिन यहाँ 2-3 को लगल था। अच्छा, इसमें भी लगल कल 28 तारीख के शाम को काम उम करा करके, यहाँ निर्माण का काम चल रहा है तोड़ फोड़ का, तो काम उम करा करके शाम को मैंने लेबर पेमेंट करके हम घर चल गए। तो दूसरा दिन हम सुबह जब आए कि लेबर लोग फिर आएगा तो हम पहले पहुंच गए, तो लगभग 8:38-40 बज रहा था। तो हम आए कि 45-9 बजे से लगभग मेरे लेबर लोग आ जाता हमारा। तो जैसे हम आए तो देखते हैं कि एक वो ताला हमारा जो है उसका कड़ी जो काट करके है, ये जो कड़ी है इसको काट कटा हुआ बाहर हम देखे, तो हमको एकदम हदस हो गया, डर हो गया। तो हमको मैंने काम ही नहीं करने लगा दिमाग। तो मेन गेट का ताला नहीं टूटा था, वो मेन गेट का ताला की चाबी हमारे पास था। हम तुरंत मेन गेट खोल करके जैसे अंदर आए तो देखते हैं कि हमारा गेट मेन गेट के सामने वाला गेट का ताला कटा हुआ है। अंदर गली में घर में घुसते हैं तो एक गेट का ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया, और जब और अंदर आते हैं तो इधर अंदर में जो दरवाजा है उसका मार करके तोड़ दिया गया है, ताला तोड़ दिया, और उसका अंदर लॉक भी था वो भी तोड़ दिया गया। और हमारा सामान रहता है बाहर में, हमर वगैरह जो काम हमारा चल रहा है तोड़ फोड़ का, वो सामान हमारा बाहर में ही था, कटर मशीन था और ये वगैरह था। तो वो सब तो हम जब आए अंदर देखे तो हम अकबका गए, देखते हैं पूरा सामान छत बिछत एकदम इधर से उधर बिखरा पड़ा है। हमको एकदम डर हो गया, हम लोग लग गया तो चोरी हो गया। तुरंत हम मोहल्ला वाला को खबर किए, उन लोग भी आया, तुरंत हम थाना को भी 100 नंबर में फ़ोन कर दिए। हाँ, उन लोग भी मैंने तत्काल 10-12 मिनट के अंदर में उन लोग भी आ गए। उन लोग आकर के फोटो वोटो करके देख करके गए। हमने पूछा कि क्या गया, हमने सर तो हम ऐसे भी नहीं बता सकते हैं कि LED TV था वो, हम मैंने वो लोग कहाँ से रखा है रखा था, वो सब देख लेंगे तभी बता सकेंगे, क्या हमको इसका कोई जानकारी नहीं। किनका मकान है ये? ये मकान है हमारा भतीजा है अनूप कुमार सिन्हा, भाई हमारा डेथ कर गए हैं सुखदेव प्रसाद, उन्हीं का लड़का है अनूप कुमार सिन्हा सतीश सिन्हा। तो यहाँ कौन रहते थे? अभी उन लोग से मैंने 9 नवंबर को उन लोग आया था यहाँ मकान को बनाने के उद्देश्य, और हर साल उन लोग 1-2.5 महीना के लगी आ ही जाता है। पिछला बार भी आया था लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, पहुँच बने और फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद आया और यहाँ 3 महीना रह करके निर्माण करवा रहा था। अभी 18 तारीख को सब परिवार उन लोग गया, और कभी इस घर में कभी चोरी उरी का कभी शिकायत नहीं हुआ, एकदम आज से नहीं 20-25 बरस से ये आराम से खुला रहता है, आज तक चोरी नहीं हुआ। ये पहला घटना है जो बहुत ही ताज्जुब। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी में तो हमरे अभी तो हम तो इनको मैंने इंक्वायरी में ही देखते हैं कि TV हमरे नज़र में नहीं है, और हम जब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके अपने भाई भतीजा और भाभी से बात किए तो भतीजा भाभी हमारा बोले कि काका देखिए देखे आवे लगे, तो बक्सा 2-3 गो उनका बक्सा टूटा हुआ था, उसमें कुछ उनका अपना जेवर का सामान था जिसका कि हमने विवरण थाना में दिया है आवेदन में, और बताए कि कान का फूल था तो चांदी का, कमरधनी था तो चांदी का कटोरा था, कहते हैं 2-3 गो चांदी का किया था, और मैंने नगद किस भी था क्या? नगद में बोलती है कि हमारा हम छुपा के रख ले रहते हैं, तो 4,000 रुपया था हमारा वही लगभग लगभग लमसम कितना लगता है? लमसम हमको तो लग रहा है जिस तरह से विवरण हमारा भाभी बताए उस हिसाब से तो लगता है कि मैंने लाख से नीचे का नहीं है।